my YouTube family and very very sporty viewers, assalamu alaikum. Welcome back to my new video. कैसे हैं आप सब? I am Jumna and I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने बहुत ही कमाल की वीडियो पे रिएक्शन देने वाली. वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो. सो लेट्स मूव टू द वेरी इंटरटेनमेंट वीडियो. जितना मोदी जी ने आम गरीब पब्लिक लोगों के साथ अच्छा किया, इतना आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया. नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया. मोदी सरकार जब से आई है, विपक्ष पार्टी जितनी है, सब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है. शेख साहब, आप भी एक मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या महसूस किया है आपने कभी कि हिंदू मुस्लिम वाकई में हो रहा है? नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है ना. ये घर घर की लड़ाई जो है, इसको ये जो है ये सियासत में बदली करते हैं. हाँ. ये तो सदियों से चलता आया कि भाई भाई के साथ लड़ाई करता है. हाँ. बाप बेटी की लड़ाई होती है, पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई होती है. हाँ. तो उसको बीजेपी को क्या लेने देना है उससे? हाँ. अगर मेरा भाई मेरे साथ लड़ाई कर रहा है तो क्या बीजेपी करवाएगी? हाँ. वो तो हम खुद कर रहे हैं. जब हम शराब पीकर बेहोश होंगे लड़ाई तो करेंगे करेंगे भाई. हाँ. जब होश होगा तो मैं बोलूंगा ये तो मेरा भाई है, मैं लड़ाई क्यों करूँ इससे? तो मोदी सरकार के साथ समर्थन है पूर्ण? कुल हमें है. हाँ. क्यों? मोदी जी ने हाँ. हर एक शख्स को, गरीब को. हाँ. और जो 60 साल से ऊपर है, 100 रुपया पेंशन थी हिंदुस्तान के अंदर. हाँ. और आज 1000 रुपया है. 5000 तक भी गरीब को है. और गैस गरीबों को फ्री मिली जी. और हमारे कश्मीर के अंदर जलजला हुआ था. हाँ. 2005 में जी. किसी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी. हाँ. सिर्फ 100 किलो चावल मिले थे. अच्छा. और 1 लाख रुपया एक मकान के लिए दिया था. हाँ. जो कि 1 लाख रुपए में एक बाथरूम ही नहीं तैयार होते हैं. अच्छा शेख साहब, देखिए आप कश्मीर से हैं. आज नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल से फ्री राशन दिया. हाँ. पब्लिक फ्री राशन खा रही है 3 साल से. उससे ऊपर और क्या होना चाहिए पब्लिक को? देखिए आप कश्मीर से हैं, ऐसी जगह से हैं जहाँ पहले सुना जाता था कि पत्थरबाजी होती है, बहुत आतंकवादी. खत्म हो गए. अभी कश्मीर में कोई पत्थर मारने वाला नहीं होगा. अब क्या है कारण? क्या है कारण? है सब जेल के अंदर चले गए. हाँ. जब से मोदी जी आए, मिलिटेंसी भी खत्म हो गई. हाँ. पत्थर भी खत्म हो गए. उसके बाद एनसी की सरकार भी खत्म हो गई, पीडीपी की सरकार भी खत्म हो गई. हाँ. जो मतलब आपने घर पालते थे वो उनके काम खत्म हो गए और अपने घर में बैठ के लड़ाई खत्म हो गई. लड़ाई खत्म हो गई. अच्छा, एक लड़ाई शेख साहब और थी 370 की, बड़ा इस पर विवाद हुआ, फाइनली अंतिम में 370 हट गया. क्या लगता है आपको, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में की, 370 अगर नहीं हटता तो क्या भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में हो पाती? नहीं होती. नहीं होती. नहीं होती. तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 370 हटने की वजह से हुई. बिल्कुल, ये क्लियर है. क्लियर जी. मोहतरमा, क्या नाम है? मेरा नाम मीर शफीक है. मैं हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के रहने वाले, मेरे साथ आए एलओसी बॉर्डर से. अच्छा अच्छा. और मैं राहुल जी की बात करना चाहती हूँ. आप राहुल जी से ये पूछे कि 70 साल में आपने तिरंगा क्यों नहीं घंटाघर पे चढ़ाया? इससे पहले भी चढ़ा सकते थे ना. पीएम तो उन्हीं का था ना, कांग्रेस का. कांग्रेस की हुकूमत थी ना 70 साल में. तो एक झंडे को छुपा के क्यों रखते थे जेब में? मेरी गाड़ी में झंडा लगा हुआ था तिरंगा, आगे गाड़ी का फ्लैग लगा हुआ था. मुझे एक लड़का आया, लंबे लंबे बाल रख के, बोला कि आप ये झंडा उतारो. मैंने बोला क्यों? बोला ये हिंदुस्तान का झंडा है. ऐसी हालात थी कश्मीर की. मैंने उसको बोला मैंने लगाया, तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोला नहीं मैडम, अगर आपको इलेक्शन जीतना है आपको एक तो झंडा उतारो और दूसरा हमें 500 रुपया पत्थर मारने के लिए दे दो. मैंने बोला 500 रुपया हमारे पास नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, और तुझे मैं जेल काट के आया था 11 महीने. मतलब आपने अभी अभी एक उदाहरण दिया है कि उस समय में पत्थरबाजी के लिए पैसे मांगे जाते. तो फिर उस लड़के ने बोला, मैंने उसको बोला आप क्या काम करते हो? बोला मैं चीफ हूँ पत्थर मारने वालों का. अच्छा. हमें 500 रुपये मिलता है पत्थर मारने का. और मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी आपको ऊपर वाले ने बना के भेजा है. खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. आपको अल्लाह ने बना के भेजा है और आप एक मसीहा बने हैं पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के सबके. जो लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करता है, वो मोदी जी नहीं करता, वो कांग्रेस वाले करवाते हैं. वो कांग्रेस अपोजिशन वाले करवाते हैं ना. जैसे कि कोई हिंदू भी कांग्रेस के वर्कर हैं, मुसलमान भी हैं, वो आपस में उनको लड़ाते हैं. ये लड़ाने देने का काम है ये कांग्रेस का है, ये केजरीवाल का है, ये अपोजिशन पार्टियों का, ये मोदी जी का नहीं.
मोदी जी ऐसे नहीं कर सकता है। मोदी जी एक बहुत अच्छा लीडर है, बोलचाल वाला लीडर है। मनमोहन सिंह दो बातें इंग्लिश में करके चुप हो जाते थे कार्टून की तरह। मोदी जी ने हिंदुस्तान को नंबर वन पे लाया। कौन जानता था हिंदुस्तान को? मैं आप मीडिया वाले से पूछती हूँ, डिजिटल इंडिया जिसको बोलते हैं, आज हम हमारा गरीब से गरीब जो लड़का है चाहे वो लड़की है, रास्ते चलते चलते पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी, इतना समझ, हाईलाइट हिंदुस्तान को कर दिया पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। ये कांग्रेस ने किया, ये भारत जोड़ो ने किया। भारत जोड़ो जब निकला था यहाँ से, उनके अपने वर्कर थे कि कोई आवाम थी, कोई पब्लिक थी, किसी मोदी जी ने बोला थाली बजाओ, लोग थाली बजा रहे थे। मोदी जी ने बोला लड्डू फेंके, लोग लड्डू फेंक रहे थे। तो राहुल जी को कोई निकला लड्डू फेंकने के लिए? राहुल को निकला कोई फूल डालने के लिए? मैं राहुल जी से पूछना चाहती हूँ, दाढ़ी बनाने से, नकल करने से मोदी जी की नकल नहीं कर सकते ये? हाँ, ये नकल करते हैं मोदी जी की। दाढ़ी बढ़ाई थी, मतलब आपको लग रहा है कि नकल कर रहे थे? नकल की ना, नकल की कि हम मोदी जी दिखेंगे और लोग को मोदी जी के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती है। हमारे कश्मीरी लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला है, सजाद लोन है, अल्ताफ बुखारी है, महबूबा मुफ्ती है, जिसने मिलिट्री को बढ़ावा दिया है, वो कोई भी लीडर और केजरीवाल जैसे लीडर ये तो है ही नहीं, तो गंदी नाली का कीड़ा है। मैं इसको गंदी नाली का कीड़ा समझती हूँ, जो अपनी कुर्सी के लिए एक यूथ को बर्बादी के रास्ते में ले रहा है, जो शराब के ठेके दे रहा है। शराब का ठेका चाहे, अभी ये केजरीवाल कश्मीर के अंदर भी आ रहा है, कश्मीर के अंदर भी झूठ फैला रहा है कि बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री, हमें कुछ भी फ्री चाहिए, हम पैसे से खरीदेंगे, पर हमारे बच्चों की जिंदगी बच रही है, हमारे भाइयों की जिंदगी बच रही है। वो किसने बचाई? पहले ऊपर वाले ने, उसके बाद मोदी जी ने। अच्छा मैम, बड़ा कारण क्या है? क्योंकि देखिए विपक्ष वाले लगातार ये बोलते हैं कि भेदभाव होता है, मोदी सरकार में हिंदुत्व की बात होती है सिर्फ। क्या वाकई में सिर्फ हिंदुत्व की बात होती है? कहीं भी आपको महसूस हुआ, कश्मीर से बाहर आप निकली, कहीं भी महसूस हुआ कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है किसी भी तरीके से? जब हम पहले निकलते थे, हमारे लीडर हमें डराते थे कि हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाना, खुद लगाते थे, आम पब्लिक को नहीं लगाने देते थे। डर था, हुर्रियत का डर था, मेंटेनेंसी का डर था। मुझे मेंटेनेंस मारने के लिए आए, अभी भी मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली है। मुझे मेंटेनेंस मारने के लिए आए, मेरे भाई को मारा दिया। 18 साल का मेरा भाई था, 18 साल की एज थी, यहाँ से दिल्ली से गया, मेरा मामा इलेक्शन लड़ रहा था, एनसी का एमएलए 18 साल रहा है, तो उसकी वजह से मेरा भाई मारा गया, मेरा देवर मारा गया, और मुझे मारने आए, मैं भागी वहाँ से, और मिंटन से हमने देखी आंखों से, पर हमने फिर भी मिंटन से को माना नहीं, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। कांग्रेस के समय में जान को बड़ा खतरा रहता था, चाहे कांग्रेस के समय में, पीडीपी के समय में, एनसी के समय में, ये वहाँ की हुकूमतों के साथ मिलके, अब जो अब कांग्रेस पीडीपी को पता है कि हम खत्म है, हम जीरो हैं, हमारे फारूक अब्दुल्ला को पता है कि हम लोग, अब लोग यूथ समझदार है, पढ़ा लिखा यूथ है, अब इनको कोई बात मानने वाले नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया राहुल की, क्या आप आ जाओ भारत जोड़ो यात्रा को लेके। अब उनको और कोई सहारा रहा नहीं, मोदी जी मानते नहीं ऐसे लोगों को, और मोदी को मानना भी नहीं चाहिए। मैं मोदी जी से फिर दोहरा के, मोदी जी आप अपने बलबूते पे कश्मीर में इलेक्शन लड़ो, अपने वर्करों को आप पावर दे दो, अपने जो वर्कर है आपके पार्टी के उनको पावर दे दो, अपने बलबूते पे कश्मीर में इलेक्शन लड़ो, आप कश्मीर से सीटें लेके आओगे। ये मैं कहती हूँ, लोग चाहते हैं बीजेपी को, और जो हमारे वो लीडर जहाँ वहाँ बैठे हैं, उनको किसी को भी ऐसा जो भी भड़काश भाषा देगा, जो भी लोगों को सब खिलाफ बोलेगा कि बीजेपी ये करते भी, उसको अंदर डाल दो जेल में, उसका काम जेल में है। ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस आऊंगी। हाँ, अच्छा एक बड़ा सवाल देखिए, प्रधानमंत्री 24 का किसको देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी सबसे बेस्ट पीएम, बेस्ट। हाँ, पूरे पूरे हिंदुस्तान के लिए। 100 रुपया मेरे भाई ने क्या बोला, अभी 100 रुपया गरीब के खाते में आता था, आज 1000 आता है, और पीएम बनते बनते गोल्डन कार्ड थमा दिया 5 लाख का। क्या कांग्रेस देगी? क्या केजरीवाल देगा? क्या महबूबा मुफ्ती देगी 5 लाख? जो 1 रुपया किसी को नहीं देते, तो 5 लाख किसी गोल्डन कार्ड पे आज इलाज होता है फ्री, ये दवाई मिलती है हॉस्पिटल में। ये तो केजरीवाल ड्रामा करता है, केजरीवाल जो है ड्रामा करता है, मोदी जी ड्रामा नहीं करते, मोदी जी ड्रामा नहीं करते। एक बड़ा मुद्दा था 3 तलाक का, जो कि मोदी जी ने हटा दिया, समर्थन में है कि सही हुआ या किया? बहुत अच्छा किया। दो तीन तीन शादी अपने घर वाली होती थी, जाके बाहर शादियां करते थे, ये मोदी जी को, मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। चाहे वो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है कि 3 तलाक पे जो बैन लगाया, आज लड़कियां खुश हैं, लड़कियां दुआएं दे रही है मोदी जी को, जिनको मार मार के घर वाले भगा देते थे, दूसरी शादी करते थे, वो मोदी जी के लिए दुआ कर रहे हैं। दुआ में इतनी असर होती है, मोदी जी जब तक जिंदे तब तक हारेंगे नहीं, वो जब तक नहीं, हाँ तब तक नहीं हारेंगे, जब तक वो जिंदा है इस दुनिया में। अच्छा विपक्ष में आपको मैम नहीं लगता कोई भी एक चेहरा जो मोदी जी को टक्कर दे पाए प्रधानमंत्री के रूप में, है कोई? नहीं, हम तो ऐसा केजरीवाल जैसे हैं जो शराब की बढ़ावा देगा,
जो झूठ फैलाएगा, झूठ के लिए फिर बाद में माफ़ी मांग लेगा, मेरी बहनों भाइयों मुझे माफ़ कर दो, ऐसे लोग पीएम बनेंगे? इधर चेहरा जो है वो एक महाली मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी का। हाँ, और कौन है? राहुल बन सकता है जो दूसरों का सहारा ले रहा है भारत जोड़ो में? ऐसे ऐसे बन सकते हैं पीएम? पीएम बनने के लिए दे ताकत चाहिए, हाँ, और ताकत मोदी जी में है। मोदी जी में है, ठीक है। सर क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल गनी। अब्दुल? अब्दुल गनी डार। अच्छा, अब्दुल गनी डार। हाँ, अब्दुल जी कहाँ के रहने? मैं कश्मीर का लाज भारत पर रहना, वहाँ से कनिया कुमारी, यहाँ वहाँ से सीमार, यहाँ से कनिया कुमारी। अच्छा, मतलब कश्मीर के ही हैं आप भी। क्या लग रहा है, समर्थन किसके साथ है आप लोगों का? आम लोग तो आज मतलब बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ? जी हाँ। कारण क्या है सर बीजेपी के समर्थ, बीजेपी को सपोर्ट करने का, समर्थन देने का क्या कारण है? आम देखो, कारण ऐसा है, जो हम लोग होते हैं, पहले कांग्रेस थी, फिर नेशनल थी, फिर दूसरे तीसरे थे। हाँ। आप अपना दिल होता है ना? हाँ। तो ये जब हम बीजेपी पे आ गए, हमने इसके कोई काम, इसके कोई अच्छी देखे हमने। हाँ। तो लग रहा है कि सर इस बार भी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आएंगे या कोई बदलाव हो? काम कर रहा है ना। हाँ। गरीबों के लिए कोई काम बहुत अच्छे कर रहे हैं ये। हाँ। कि हमारा इलाका जो गरीब इलाका है, उधर इसने किया 100-200 रुपया पेंशन थी। हाँ। लंगड़ों को, बूढ़ों को, इसने 1000 रुपया कर दिया। अच्छा, कितना कर दिया? मोदी सरकार ने 1000 रुपया कर दिया। अच्छा, मतलब गरीबों की मदद हो रही है? मोदी मदद हो रही है, 60 साल से ऊपर उसको 1000 रुपया। अच्छा। जो लंगड़ा है, बीमार है, उसको भी 1000 रुपया। हाँ। और जनाब अहमान, हाँ, कई उधर इसने ऐसी फैक्ट्रियां खोली हैं गरीब। हाँ। के लिए 5 लाख रुपया गरीब के जेब में है। हाँ। गो कार्ड बनाया ना इसने, गोल्डन कार्ड, 5 लाख रुपया गरीब के जेब में है। लेकिन देखिए, विपक्ष की अगर मैं बात करूं, विपक्ष द्वारा अक्सर कहा जाता है कि गरीब और गरीब हो गया मोदी सरकार जब से आई है। सहमत है कि वाकई में गरीब और गरीब हो गया मोदी सरकार में? गरीब गवर्नमेंट गरीब नहीं होती है, गवर्नमेंट कहाँ गरीब? जनता क्या, आम जनता और गरीब हो गई? आम जनता बहुत गरीब हो गई है। हाँ। क्यों? इसने चूल्हा गैस दिया, मुफ्त में दिया। हाँ। एक चूल्हा जो गैस इसने दिया, मुफ्त में दिया, मगर आगे वालों ने उसे 100-150 रुपया लिया एजेंसी वालों ने। अच्छा। हाँ, मतलब आगे घोटाला हुआ लेकिन मोदी की तरफ से सही हुआ। आपने सुना ना कि इसने गैस मुफ्त दिया हर एक घर को, आगे उन्होंने 1500-1500 रुपया एजेंसी वालों ने लिया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मेरे साथ जो है कश्मीर के कुछ लोग थे जिनसे हमने जाना कि आखिर 24 का रुख इनके अनुसार ये किसको देखते हैं, क्या प्रधानमंत्री के रूप में बदलाव ये लोग देखना चाहते हैं या ये लोग मोदी सरकार से काफी खुश हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री के चेहरे में बदलाव आएगा 24 में या वही रहने वाले हैं? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बैलाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मेरी दुआ में तो आप लोग शामिल ही हैं। तो खुदा हाफिज़।